देखिए इसका स्पीड देखिए, इसका पूंछ देखिए उल्टा है, ये अलास्कन का है और हस्की का डाउन होगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, ब्लॉगर फिर से हो गए और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेके आ गए हैं डॉग कैनल वीडियो। आज आ गए हावड़ा के बाली में एक बहुत ही अच्छा डॉग कैनल में। तो यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रीड है और अच्छे अच्छे पफीज है, पूरा कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए उससे पहले यहाँ का जो ऑनर भैया ऑनर को बुला लेते, उसके बाद यहाँ का पूरा कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों भैया आ गए, चलिए भैया से आप लोगों का इंट्रोड्यूस करा देते। तो भैया नमस्ते। नमस्ते। तो अभी कैसे ये बताइए। हम तो अच्छा है। अच्छा, आपका थोड़ा, मैं तो अच्छा हूँ, आपका थोड़ा इंट्रोड्यूस दे दीजिए। मेरा नाम तन्मय दे है, मैं अभयनगर में रहता हूँ और डॉग का ब्रीडिंग करवाता हूँ। अच्छा, और एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। एड्रेस है बिलानगर स्टेशन, अभयनगर, निश्चिंदा हावड़ा, निश्चिंदा पीएस, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हावड़ा स्टेशन से कोई आना चाहिए तो हावड़ा स्टेशन से आना चाहिएगा तो कॉर्ड लाइन में बिलानगर स्टेशन उतरना पड़ेगा, बाली का बाद। अच्छा, मेरे पास हस्की है, अलास्कन है, गोल्डन रिट्रीवर है, लैब्राडोर है, सिरजू है, ब्रिगेल है। अच्छा, और पापी कौन सा बिट का है अभी? पापी अभी घर में, अभी सिरजू का पापी है। सिरजू का पापी है, हाँ। ठीक है, तो वो सब दिखाएंगे। तो आपका थोड़ा नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर 8910757520। तो चलिए एक एक करके कलेक्शन दिखा देते। ठीक है, पहले हम हस्की दिखा रहा है। अच्छा, तो देखिए एक बहुत ही खूबसूरत हस्की, इसको ऑड आइज बोलता है। ठीक है, दोनों आँख दो टाइप का है, एक ब्लैक है, एक तो ब्लू है, एक तो नॉर्मल है। ठीक है, देखो, और ये बहुत तेजी है, मतलब एक्टिव है और बहुत तेजी भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोई। जोई, अच्छा, फीमेल है? फीमेल है, ये ब्रीडिंग के लिए, बच्चा उठाने के लिए हम रखा है। अच्छा अच्छा, इसका एज कितना है अभी? इसका एज हो गया दो साल, अभी नहीं हुआ दो साल अभी हम इसका, जब मतलब बहुत ही क्यूट डॉग है। देखिए फर्स्ट जब इसका सीजन चला गया दो ठो, अच्छा, थर्ड सीजन में हम उठाएगा इसका बच्चा, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत क्यूटी भी है। तो ये भी मोल्टिंग में भी है? ये मोल्टिंग में है, अभी तो मोल्टिंग का टाइम है, देखिए, इसीलिए थोड़ा कोट कम लग रहा है, नहीं तो ज़्यादा ही है। ये नॉर्मल वेदर में भी रहता है मेरा घर में। हाँ, बहुत कोई बोलता है कि हस्की के लिए एसी चाहिए। मेरा पास अलास्कन भी है, हम दिखाएगा बाद में, वो भी नॉर्मल वेदर में है, लेकिन जब गर्मी पड़ेगा उसी टाइम तो एसी में रहना चाहिए। अच्छा। मतलब मैं नॉर्मल वेदर में रहता है, प्रॉब्लम नहीं होगा? कुछ नहीं प्रॉब्लम, मेरा घर तो हो गया दो ठो कुत्ते के लिए दो साल मान लीजिए, दो साल हो ही गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं। और हस्की और अलास्कन में, हम हस्की की दिखा रहा है, इसका पूंछ नीचे की तरह होगा देखिए, और अलास्कन का उल्टा होगा, और हस्की का वो बॉडी वेट अलास्कन से बहुत कम है, इसका 21 kg हाईस्ट होगा। अच्छा, और अलास्कन शुरू होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है 24 के बाद, 24 के जी से ऊपर होगा। ठीक है, इसका अभी 20+ है बॉडी वेट, 20+। सो देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, देखिए जोई। तो भैया ऐसा क्वालिटी का हस्की अवेलेबल होगा आपके पास? हाँ, अवेलेबल होगा, मेरा घर में बच्चा होगा तो मिल जाएगा। तो आपको तो आपको वीडियो करना चाहिए पहले। हाँ ठीक है, तो ऐसे कोई अरेंज करने के बोलेगा तो पॉसिबल है? हाँ। कितना में स्टार्टिंग होगा हस्की? हस्की 35-40 से स्टार्टिंग होता है, 35 से स्टार्टिंग हो जाएगा, जो जितना अच्छा लेगा उतना पड़ेगा। ब्लू आइज 35-40 से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए, तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, ये लैब्राडोर डॉग है। ठीक है, अच्छा। इसका नाम है डोडो, तो ये मेटिंग पर्पस के लिए हम रखा है। ये इसका मदर भी मेरे पास है, उसका उम्र फरवरी में 15 होगा। अच्छा, मतलब 15 साल होगा फरवरी में, और इसका उम्र 5 साल हो गया। ठीक है, 5 साल हो गया इसका। हाँ, इसका 5 साल हो तो गया, ये तो अभी मेटिंग के लिए अवेलेबल होगा? 5 नहीं, ये 6 साल का है। 6 साल का है तो ये मेटिंग के लिए अवेलेबल है? हाँ, ये मेटिंग के लिए अवेलेबल है। इसका बच्चा भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बड़ा साइज है लैब्राडोर का। मुंह, मतलब इसका हेड बोन्स, ये सब देखिए, और साइज में तो बड़ा है। और ये बहुत कूल माइंड का है। हाँ, बहुत ही शांत है। शांत, बहुत शांत है। इसका क्वालिटी देखिए,
इसका नाम क्या है? इसका नाम डोडो है। डोडो, डोडो। तो ऐसा क्वालिटी का भी लैब्राडोर अवेलेबल है? हाँ, मेरे पास अवेलेबल है। इसका बच्चा भी उठता है। तो कितने स्टार्टिंग होगा इसका? इसका बच्चा स्टार्टिंग देखिए, बहुत सारा लैब बिकता है मार्केट में। हाँ, 8,000, 9,000, 10,000 तो पेट क्वालिटी। लेकिन सो क्वालिटी जब डॉग होगा उसका रेट ज़्यादा पड़ जाएगा। अच्छा। और जैसा रेयरिंग होगा उसका तो उसी के टाइप का होगा। अच्छा, तो अभी अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, इसका बच्चा हम ले आके रेयरिंग करता है, ठीक है। और अच्छा ब्रीडर होगा तो हम देगा मेटिंग, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा। मतलब पेट क्वालिटी बीच का हम मेटिंग नहीं देता है। अच्छा क्वालिटी का फीमेल होना चाहिए। हाँ, अच्छा क्वालिटी का फीमेल होना चाहिए, तब बच्चा भी अच्छा होगा। हाँ। ये तो दिख रहा है आपका कैसा क्वालिटी का है। तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। इसका इसका नाम है चौको। हाँ, तो ये बहुत क्यूटी है। चौको? हाँ, चौको है। अच्छा, ये बहुत क्यूटी है। मतलब वो जो गोल्डन रिट्रीवर दिखाया उसका माँ? हाँ, जो व्हाइट वाला दिखाया वो भी यूरोपियन है, ये भी यूरोपियन है। इसका फादर साइड हम बोल रहे हैं सौरभ चौधरी जो है। इंडी, इंडी का एक ठो बच्चा कौशिक बोल के एक ठो लड़का वो लिया था। ली। उसका नाम ली था, ठीक है। तो उसका बेटी ये है, मतलब उसका लड़की ये है। अच्छा। और इसका लड़का लियो है जो वाइट वाला हम दिखाया। अच्छा। सब यूरोपियन ब्लड लाइन, यूरोपियन ब्लड लाइन से आया। आया लेकिन यूरोपियन में तो वाइट होता है। वाइट होता है तो ली भी वाइट है। और सौरभ चौधरी का जो है वो भी इंडी, वो भी वाइट है। लेकिन ये गोल्डन, लेकिन ये गोल्डन हो गया। इसका मम्मी गोल्डन था, उसीलिए ये गोल्डन आ गया, ठीक है। इसका इसका क्वालिटी देखिए, इसका फार देखिए, और इसका फार देखिए, ये भी मोल्टिंग में है देखिए। हाँ। ये भी मोल्टिंग में है। इसका फार देखिए, इसका पूछ देखिए, ठीक है। देखिए ये जो सो क्वालिटी का जो डॉग होता है ना, सो क्वालिटी का डॉग जो होता है उसका जब वो रुकेगा, मतलब वो जब ठहरेगा उसको, तब पता चल जाएगा वो सो क्वालिटी का है कि नहीं है। देखिए देखिए रुकने से पता चल जाता है कि सो क्वालिटी। देखिए ये फोर क्वार्टर होता है और स्टाइफल बैंड होता है, ठीक है। ये सो क्वालिटी में मस्ट है, लगेगा ही लगेगा। अच्छा। नहीं तो सो से बाहर चला जाएगा। तो भैया इसका एज कितना है? इसका एज हो गया 4 साल। 4 साल। इसका बच्चा अवेलेबल नहीं है? नहीं, इसका बच्चा अभी अवेलेबल नहीं, वो तो कुछ दिन का बच्चा हुआ है ना। हाँ। तो हम 1 साल बाद उठाता है। अच्छा। ठीक है, उसमें बच्चा का क्वालिटी भी अच्छा होता है, मम्मी भी अच्छा रहता है, दोनों अच्छा रहता है। तो देखिए गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही अच्छा क्वालिटी, ऐसा क्वालिटी का पपी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा ऐसा क्वालिटी का, क्योंकि हम वेटरनरी लाइन में काम करता है ना, तो डिलीवरी वेलीवरी तो करता है अभी, तो तब बाहर से मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा बच्चा होता है, अच्छा तो होगा तो हम बेचेगा, सेल करेगा, और कोई भी लेगा तो हर हमको अभी चाहिए, हम नहीं देगा। 2-3 दिन 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा, क्या 1 महीना 2 महीना रुकना पड़ेगा, उसका बाद हम देगा, अच्छा देगा। ऐसा क्वालिटी का स्टार्टिंग कितना होता है? 22-25 से स्टार्ट। 22-25 से स्टार्ट होगा ऐसा क्वालिटी। 20 में भी मिल जाएगा। मतलब यूरोपियन ब्लाइन, यूरोपियन ब्लड लाइन। अच्छा, और अमेरिकन भी ऐसा? अमेरिकन में देखिए, अमेरिकन ब्लड लाइन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा। अमेरिकन ब्लड लाइन में वो हड़बड़ी करता है, एक्टिव, बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे अमेरिकन जो गोल्डन है वो भी मिल जाएगा? हाँ, वो भी मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन देखिए हम बोल दे रहा है, अमेरिकन तो अमेरिकन ही, यूरोपियन तो यूरोपियन ही मिलेगा। ऐसे डिफरेंस क्या होता है? नहीं देखिए, डिफरेंस होता है यूरोपियन से अमेरिकन जब हो जाएगा ना मीटिंग, तब मान लीजिए हिप डिस्पेप्सिया, बहुत सारा बीमारी होता है, दोनों क्रॉस हो जाएगा तो बहुत सारा बीमारी होता है, बाद में मालूम पड़ेगा जो ऐसा ऐसा हुआ है, मान लीजिए इसी के लिए हुआ है, क्रॉस करने के लिए। लेकिन जब लेगा कोई, किसी से भी लेगा, उसको बोल देना जो हम अमेरिकन ही, ओरिजिनल अमेरिकन लेगा या ओरिजिनल यूरोपियन, मतलब बोथ साइड। तो मार्केट में खरीदने से पता ही नहीं चलेगा? मार्केट में खरीदने से तो कुछ नहीं पता चलता है जाएगा। हम काल एक तो डोबरमैन का ट्रीटमेंट किया, उसका पार्वो हो गया, मतलब पार्वो पहले होता नहीं, पहले गैस्ट्रो होता है, उसका बाद पार्वो होता है। डोबरमैन लिया मार्केट से,
8,500 में लिया है। ठीक है, हम जाके उसका साथ बात किया, बोला दादा कुछ भी खा नहीं रहा है। हम बोला कहाँ से लिया, बोला यहाँ से लिया है, मार्केट से लिया है। हम बोला जो ठीक है, हम दिख रहा है तो हम जब सैलाइन चलवाया ना उसको, तो वो पट्टी कर रहा है, तो पूरा एकदम पार्वो, पूरा पार्वो हो गया। और अभी तो शीत का मौसम है, तब पार्वो तो लग ही जाएगा। पार्वो हर टाइम नहीं होता है, ब्रीडर से अच्छे क्वालिटी का डॉग खरीदना। हाँ, मार्केट से ले भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं, हम बोलेगा मार्केट से मत लीजिए। साला 6,000 का बच्चा 16,000 में बेच रहा है, तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, जो मार्केट का बच्चा 6,000 का बच्चा 16,000 में ले रहा है, वो 16,000 की तरफ होगा या नहीं होगा। क्वालिटी ऐसा बड़ा होकर चेंज हो जाता है, चेंज होगा। बच्चा में तो सब एक ही लगेगा। अरे हम गारंटी देता है, हम गारंटी दे देगा, हमसे कोई भी बच्चा लेगा ना तो हम गारंटी दे देगा कैसा होगा। तो दोस्तों एक बीगल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, तो भैया इसके बारे में कुछ बताइए। इसका तो, इसका उम्र 5.5 साल है। ठीक है, तो इसका दो बार हम बच्चा उठाया, दो बार सीजर हुआ इसका, ये सो भी करा। अच्छा, सो किया था। अच्छा, सो किया था। अच्छा, हम दिखाएगा इसका सो का जो ये है, ट्रॉफी वॉफी लिया है। ठीक है, तो अभी तो ये फीमेल है ना। हाँ, फीमेल है। सो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम सैंडी है, लेकिन ये पाचू बोल के। अच्छा, तो पाचू बोलेगा तो ये रिस्पॉन्स ज़्यादा ज़्यादा देता है, अच्छा देता है। अच्छा अच्छा, इसका पप्पी हुआ था कभी? हाँ, इसका पप्पी हुआ था, एक बार 6 पप्पी हुआ और एक बार 3 हुआ। 3 हुआ था। तो अभी इसका पप्पी अवेलेबल नहीं है ना मेरा घर में। अभी हम इसका ज़्यादा मीटिंग नहीं यार, नहीं कराएगा इसका। अच्छा, और बीगल मिल जाएगा था ऐसे? बीगल मिल जाएगा, ऐसा बीगल हो जाएगा, फुल मार्किंग वाला बीगल होगा। टाई कलर में, टाई कलर में होगा। मेरा बाई कलर भी था, वो भी सोफो किया था। अच्छा, ऐसे बीगल स्टार्टिंग कितने से होता है? बीगल देखिए, अच्छा क्वालिटी होगा तो हम पहले ही बोल देता है, अच्छा क्वालिटी होगा तो अच्छा हो, उसका मनी भी, प्राइस मनी भी अच्छा होगा। ऐसे स्टार्टिंग कितना से हो जाएगा? स्टार्टिंग 20-22 से स्टार्टिंग हो जाएगा। 20-22 से स्टार्टिंग, 20-22 से स्टार्टिंग हो जाएगा। और हाँ, 20-22 में विदाउट पेपर सो क्वालिटी मिल जाएगा, सो क्वालिटी का मिल जाएगा। वो सोफो करके, अपना आप सो करके, तब रजिस्टर्ड सो में KCI रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अपना मतलब रजिस्टर्ड अपना नाम से होगा। अच्छा, खुद के नाम से हो जाएगा, खुद के नाम से होगा, तब उसका पेपर मन मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों बहुत सारा डॉग ब्रीड दिखाया आप लोगों को, अभी एक स्पेशल ब्रीड आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए है स्पेशल ब्रीड, सो देखिए ये है अलास्कन मैलामूट। क्वालिटी देखिए, अलास्कन मैलामूट है, और ये दिखता है हस्की की तरह, लेकिन हस्की नहीं है। हाँ, अलास्कन जो है वो हस्की से ज़्यादा वेट होता है। अच्छा, और ज़्यादा बड़ा साइज भी होता है, आपको मालूम पड़ रहा है दिखने में कैसा क्वालिटी है। पहले हम बोल दिया चाहिए, जो अलास्कन और हस्की का जो कोट है अलग होता है, अलग होता है। अच्छा, हाँ, इसका डबल है। ठीक है, अलास्कन का उली कोट भी है इसमें और लॉन्ग कोट भी है, और हस्की में भी होता है, इसमें दोनों ही हैं, दोनों ही। अच्छा, उली कोट और लॉन्ग कोट दोनों ही हैं। और जो हस्की है, हस्की में सिर्फ उली कोट होता है और नहीं तो लॉन्ग कोट का होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। अच्छा, इसका दोनों ही है? हाँ, दोनों इसका दोनों ही है। अच्छा, ठीक है, हर अलास्कन में होता है? हर अलास्कन में ही दोनों होता है। अच्छा, और साइज भी देखिए, बहुत बड़ा साइज है, और इसका आँख थोड़ा आप लोग देख लीजिए, देखिए आइज देखिए, बहुत ही शानदार आइज है। तो ये मेटिंग पर्पस के लिए हम लेके आया है। ठीक है, बाहर। अच्छा, से मेटिंग के लिए अवेलेबल है? मेटिंग के लिए अवेलेबल है, इसको उम्र भी हो गया मेटिंग कराने के लिए। अच्छा, कितना उम्र है? हम देखिए, हम 2 साल का बाद मेटिंग करवाता है, डॉग हो या बीच हो, जो मेटिंग करवाता है वो 2 साल बाद से हम स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका तो उम्र जब सही होगा, हाँ, उसका बच्चा भी अच्छा होगा। हम 1-1.5 साल में मेटिंग करवाएगा तो उसका तो क्वालिटी, उसका मैच्योरिटी नहीं होगा तो बच्चा का कैसे मैच्योरिटी होगा ना। हाँ।
उसीलिए हम 2 साल का बाद मीटिंग करवाते हैं, इसका 2 साल हो गया, अभी मीटिंग के लिए अवेलेबल है, मीटिंग के लिए अवेलेबल है। तो आप लोगों में से किसी का अगर अलास्कन रहेगा तो फीमेल, तो आप लोग मीटिंग के लिए भैया को कॉल कर सकते हैं। और हस्की बहुत स्पीडी है, मतलब स्केप बहुत ज़्यादा करता है और अलास्कन उतना स्केप नहीं करता है, इसका चलना फिरना धीमे होती है, स्लो होता है, स्लो होता है। अच्छा, वैसे अलास्कन का प्राइस कितना था? अलास्कन स्टार्ट होगा 1 लाख का ऊपर से। अच्छा, कोई भी आपको कोई भी बोलेगा जो हम अलास्कन दे देगा 60,000-70,000 में, वो अच्छा पॉसिबल नहीं है, वो क्रॉस का होगा, क्रॉस प्योर ब्रीड नहीं होगा, प्योर ब्रीड नहीं होगा। इसका पूछ देखिए उल्टा है, ये अलास्कन का है और हस्की का डाउन होगा, ठीक है। सो क्वालिटी आप लोगों को पता चल रहा होगा, देखिए एलेक्स, एलेक्स बहुत ही खूबसूरत डॉग है एलेक्स। मेरा जो है, मैं सर अमलेंदु चक्रवर्ती का साथ रहता हूँ। अच्छा। जो इंडिया में फास्टेस्ट बंगाली डॉक्टर है, ठीक है, वर्ल्ड में भी फास्टेस्ट बंगाली डॉक्टर है। अच्छा। सर अमलेंदु चक्रवर्ती बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, बहुत कोई पहचान है भी। बहुत कोई पहचान भी है उसका साथ। अच्छा। उसका नाम बोलने से ही बहुत डॉक्टर उसको पहचान जाएगा, मतलब वेटरनरी डॉक्टर जो है बहुत वेटरनरी डॉक्टर सर को पहचानेगा, सर का किताब पढ़ के बड़ा होता है डॉक्टर सर। अच्छा अच्छा। मेडिसिन का डॉक्टर है, मैं डॉग का हर तरह का ट्रीटमेंट करता है। हाँ, डॉग का मेडिसिन, मेडिसिन डॉक्टर। अच्छा, अभी वो सर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं ऐसा? अभी हम सर का साथ है, आपके साथ कांटेक्ट करने से हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, मेरे साथ जो भी कुछ होगा मतलब वेटरनरी के लिए, हाँ। मेरे साथ कांटेक्ट करने के बाद हम सर को साथ बात करके हम उसको भेज देगा, वह खुद वो अपना आप चला जा सकते सर के साथ। ठीक है ठीक है। इसका नाम किट्टू है, ये भी यूरोपियन ब्लड लाइन का है, पहला जो रेड वाला दिखाया उसका बहन है ये, ठीक है। हम बोल रहा था जो ली का बच्चा है, ली व्हाइट कलर का है, वो भी व्हाइट कलर का है, लेकिन ये अलग मम्मी का है। अच्छा, ठीक है। ये यूरोपियन, इसका मम्मी भी व्हाइट था। अच्छा। उसीलिए ये फुल व्हाइट आया, मतलब मम्मी पापा दोनों ही व्हाइट, मम्मी पापा दोनों व्हाइट है, उसीलिए पूरा व्हाइट आया। अच्छा। और वो उसमें मम्मी गोल्डन था, गोल्डन था, और पापा व्हाइट था उसीलिए। लेकिन वो भी दोनों, उसका मम्मी भी यूरोपियन ब्लड लाइन का ही था। ये भी, इसका भी हम बच्चा उठाएगा, इसका उम्र हो गया, हाँ, इसका उम्र उसी का तरह है। ये पहला बार 2 गो बच्चे दिया था। अच्छा, मतलब इसका एज कितना है अभी? इसका 2, एक उससे 1 साल कम है, मतलब वो 5 साल का है, 4 साल का है। एक बार हम बच्चा उठाया इसको, तो इसका 2 ठो बच्चा हुआ था। अच्छा। दोनों ही वाइट था। अच्छा, दोनों वाइट हुआ, दोनों वाइट था, तो दोनों बच्चा अच्छा घर में गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो डॉग आना ले लिया और एक तो हम दिया था, तो इसका भी क्वालिटी देखिए। देखिए, ये मोल्टिंग में है, अभी मोल्टिंग में, पूरा मोल्टिंग में है। इसका बाल बहुत ज्यादा है, मतलब इस सीजन में मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग होता है, इसीलिए सभी कुत्ते का मोल्टिंग में है। इसका पूंछ बहुत मोटा है। ये सिरजू फीमेल है, इसका पप्पी हुआ है अभी। अच्छा, इसका पप्पी अभी है। हाँ, इसका पप्पी अभी है। और ये देखिए, ये टाई कलर का सिरजू है, टाई कलर का, मुंह में काला, कान में भी काला, हाँ, और इसमें येलो और वाइट, ये टाई कलर का है, ठीक है। इसका पप्पी अभी अवेलेबल है, लेकिन सब मेल पप्पी है, सब मेल पप्पी, सब मेल, एक भी फीमेल नहीं है। कितना पप्पी अभी? पहला बार भी दिया था पहले, उसी टाइम में भी इसका सब मेल पप्पी था, एक तो फीमेल पप्पी था। अच्छा, अभी सब मेल, सब मेल। 4 पप्पी है? नहीं, 5 पप्पी है, 5 पप्पी है, 5 5 है, 5 मेल पप्पी है, 5 है, 5 ही मेल है। पहला बार भी 5 गो था, अभी भी 5 गो है। अच्छा, तो वो तो पप्पी तो दिखाएंगे। और ये बहुत शांत है, मतलब सिरजू जब होता है ये बहुत देर से ऐसा ही बैठा हुआ, बहुत शांत है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैंडी, कैंडी, कैंडी। और इसका बाल कटा हुआ है, देखिए कोई भी परेशानी नहीं है, एकदम शांत बैठा है, एकदम शांत है। इसका बाल कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत बाल होता है, पूरा मतलब मिट्टी में, नीचे नीचे लग जाता है, मिट्टी में एकदम लगता है।
और बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है इसी ब्रीड के लिए। सिरजू को, सिरजू और लासा दोनों का ही तो मेंटेनेंस करना पड़ता है। लासा से सिरजू का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दोनों का डिफरेंस कर दे रहा है। सिरजू इसका लोम, इसका देखिए यहाँ से मतलब पूरा लेच तक एकदम डिवाइडेशन है, मतलब राइट का लोम लेफ्ट साइड नहीं आएगा, लेफ्ट का लोम राइट साइड में, राइट साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। लासा का ऐसा नहीं, लासा का पूरा बाल पूरा फूला होता है, ठीक है। अच्छा। मतलब बहुत तो सुंदर नहीं होता, सॉफ्ट नहीं इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट नहीं होता है। अच्छा। मतलब इसका लोम नीचे की तरह है, लासा का लोम ऊपर की तरह भी होता है, ठीक है। अच्छा। इसका एज कितना है अभी? इसका एज 2 साल प्लस, 2.5 साल हो गया इसका, 2.5 साल हो गया। हाँ, तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पपी आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ देर में दिखाएंगे वो पपी आप लोगों को, बहुत अच्छा है। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसी साइड का भी लोम काटा हुआ है, ठीक है। देखिए ये इसको गोप बोलता है, हाँ इस ये भी काटा हुआ है, क्योंकि ये जब खाना खाता है तो मुंह की तरफ चला जाता है, हाँ उसी लिए काट के रखा है। सो दोस्तों अभी आप लोगों को एक 15 ईयर्स का लैब्राडोर दिखाएंगे, तो देखिए बहुत ही स्पेशल डॉग है। इसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसका नाम जैडो है, इसका उम्र 15 साल होगा, मतलब ये दादा बोल दिया 15 साल, 15 साल होगा फेब्रुआरी महीने में, मतलब और तीन महीने में 15 ईयर्स कंप्लीट होगा, 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका। अच्छा। अभी 14 प्लस चल रहा है, मतलब 14 साल 9th मंथ। अच्छा। मतलब 9 महीना हो गया 14 साल। अभी ये बहुत अच्छा है, अभी बहुत मतलब फिट है। तो थोड़ा सा दुगला हो गया, उम्र ज्यादा हो गया ना दादा, उसीलिए ये दुगला पतला हो गया थोड़ा और सा। इसका उम्र और कैनल का उम्र एक ही है। तो फरवरी में बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा क्या? फरवरी में हम हर साल इसका बर्थडे मनाता है। अच्छा। सभी डॉग का बर्थडे मनाता है, तो इस साल तो हम मनाएगा, इसका 15 ईयर्स हो रहा है, 15 ईयर्स कम्प्लीट होगा तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। हाँ, थैंक यू करो, सेट डाउन, थैंक यू, ওটা দিয়ে থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ গুড। এটা দেখো একটু, তোমার দাঁত তো দেখিয়ে দাও, তুমি যে বুড়ি হয়ে গেছো, সামনে দিয়ে দাও, এই দেখুন দাঁত, এই দেখুন এই সব দাঁতগুলো যে ক্ষয়ে গেছে, হুম দেখুন পুরো দাঁত ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু এর মানে ইসকা শরীর দেখনে মে ইসকা অভি ভি গ্লেজ হে দেখিয়ে, হুম লিখা হে ইসকা গ্লেজ দেখিয়ে, थोड़ा सा नहीं चलेगा, ऐसे देख के पता नहीं चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा इसका बाल व्हाइट हो गया, इसीलिए इसका मालूम पड़ जाएगा इसका उम्र हुआ है, लेकिन बॉडी देखने में नहीं पता चलेगा इसका। ये बहुत बच्चा दिया, बहुत बहुत बच्चा दिया है मेरा कैनल में, अभी हम पूरा स्टॉप कर दिया, अभी तो स्टॉप होगा इतना उम्र है। तो दोस्तों अभी जो पपी के लिए वेट कर रहे थे वो पपी आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलिए पपी देख लेते हैं। हम वो जो सिरजू दिखाया पहले, उसको इसको मम्मी को दिखाया, ये बच्चा है सिरजू वाला, देखिए पूरा टाई कलर का है, ठीक है, देखिए क्वालिटी देखिए। कितने दिन का है ये? अभी 29 डेज हुआ है, 29 डेज। अभी अब मान लीजिए अभी तो 21 डेज रहेगा मेरा घर में, उसका बाद हम सेल करेगा। अच्छा। लेकिन सिरजू की बच्चा 50 दिन का बाद सेल होता है, सेल क्योंकि उसका क्वालिटी तब मिलेगा। अच्छा, 50 दिन के बाद उसका 50 दिन का ओरिजिनल क्वालिटी दिखेगा। इसका जो लोम है, बाल है, इसका जो हेड है, ये सब बाद में मालूम पड़ेगा जो कैसा है। इसका जब बाल और भी बड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा एक कैसा क्वालिटी का है। तो अभी कितना बच्चा है? अभी मेरे पास पांच ही मेल है, ठीक है। तो घुमा के तरह क्वालिटी दिखा दीजिए, ऐसे कि जितना समझ में आए। ये चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ठीक है। और ये रॉयल कैनल स्टार्टर से हम रेयरिंग कर रहा है। तो ऐसे कितना प्राइस रखे है? हाँ, इसका प्राइस रखा है दादा 25,000 से ऊपर। 25,000 अभी तो रेडी नहीं हुआ, तो रेडी हो जाएगा तो जो लेगा मेरे को तो बोलेगा। तब हम 25,000 के ऊपर ही होगा। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा बड़ा होने से क्वालिटी। अभी तो रेडी हो रहा है ना, पूरा रेडी हो जाएगा, मान लीजिए 25,000 के ऊपर ही होगा, क्योंकि इसका बच्चा हम पहला बार जो बेचा था
बहुत अच्छा हुआ, मेरा लोकल में एक तो बच्चा है, हम देखा अच्छा। है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए हम पहले बोला जो हम ब्रीडर है, अच्छा डॉग से मीटिंग करवाता है, डॉग का पेपर है अच्छा, ठीक है, पेपर अभी नहीं छोड़ा है, किसी सो क्वालिटी पपी हो, क्वालिटी का पपी है अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये और दो पपिया देख लीजिए, इसका फार देखिए अभी, ये देखिए इसका फार देखिए अभी, हम जब बोला था देखिए मेरा उंगली से कितना ज़्यादा है इसका फबाल, मतलब अभी 1.5 इंच हो गया, ठीक है। हम बोल रहा था जो इसका उम्र सेल करने का उम्र होगा तो तब इसका बाल और भी ज़्यादा होगा, तो अभी आपको मालूम पड़ रहा है, देख लीजिए अभी 1.5 इंच का, 1.5 इंच से लंबाई होगा इसका बाल, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा हो गया, मतलब ऐसा मतलब 1.5 इंच हो जाएगा, ठीक है, तब और भी बड़ा होगा, ठीक है। ये भी दोनों ही तो मेल ही है, दोनों मेल है, ये देख लीजिए। तो कोई भी पपी आप लोग आके चूज करके ले जा सकते हैं। हाँ, और भैया पहले आएगा, एक बात, जो डिलीवरी पॉसिबल है अभी? डिलीवरी पॉसिबल है लेकिन ऑल इंडिया है, लेकिन अभी ट्रेन में जो हो रहा है ना, ट्रेन में डॉग बॉक्स बंद है। अच्छा, ट्रेन में डॉग बॉक्स बंद है, हम ट्रेन में कूप बोल के एक तो है ट्रेन में, फर्स्ट क्लास एसी उसमें जाता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, महंगा होता है। बस में फ्लाइट में तो और भी महंगा है, लेकिन हम बोलेगा ट्रेन से फ्लाइट से लेके जाइए। अच्छा। मेरा बच्चा बाहर जाता है, फ्लाइट में जाने से क्या होता है, डैमेज होने का चांस, डैमेज होने का, और उसका खाना पीना दो तीन घंटा लगता है फ्लाइट में जाने से, बहुत अच्छा रहता है फ्लाइट में जाने से। अच्छा, ट्रेन में जाने से दो दिन, मतलब डिलीवरी पॉसिबल है, उसके लिए भैया को आप लोग कॉल कर सकते हैं। हाँ, डिलीवरी चार्जेस जो होगा हम आपको बोल देगा, तब हम आप ले सकते हैं, आपको पॉसिबल होगा तो। तो देख लीजिए सब पापी, देख लीजिए एक्टिव है, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही छोटा साइज का है। सो दोस्तों आप लोगों को यहाँ का पूरा कलेक्शन दिखा दिया हो, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यहाँ से अगर आप लोग को कुछ भी चाहिए, डॉग पपी कुछ चाहिए, तो उसके लिए भैया को कॉल कर सकते हैं, उसके लिए नंबर और एक बार मांग लेते हैं। हाँ, मेरा नंबर 8910757520। अच्छा, तो इस नंबर व्हाट्सअप है? हाँ, मेरा इस नंबर में व्हाट्सअप है। और भैया ये सब जो ब्रीड दिखा है उस वो सब छोड़ के और कुछ ब्रीड अवेलेबल है? देखिए जो लेगा, जो पार्टी लेगा, उसको क्या चाहिए मेरे को बोलेगा, तो हम वो पप्पी उसको हम फोटो दिखाएगा, फोटो वीडियो दिखाएगा, ये नहीं हम जो फोटो वीडियो दिखाएगा दूसरा पप्पी देगा, ये नहीं, जो दिखाएगा वही देगा, ठीक है। और बहुत बहुत आदमी क्या करता है, एक फोटो वीडियो भेज के दूसरा बच्चा देता है, लेकिन मेरे पास वो सब सिस्टम नहीं है, पहले गुडविल बनाना है, उसका बाद बिजनेस करना चाहिए। तो मैं जो पप्पी आपको दिखाएगा, जो पप्पी वीडियो फोटो हम दिखाएगा, वो पप्पी आपको हम देगा, ठीक है। जो आपका रेट वगैरह सब ठीक ठाक होगा तो तब लीजिएगा ना। तो हर टाइप का ब्रीड आप लोगों को भैया के पास मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।